चौथी ढाल में सब में ज्ञान की यहाँ चर्चा कर रहे थे। ज्ञान की दुर्लभता को बतलाया, सब में ज्ञान की महिमा को बतलाया, तो कहा आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, जितने जीवों ने मुक्ति की प्राप्ति की है, वो सब एकमात्र सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव जानना चाहिए। आज तक जितने गए हैं, माने कोई एक कारण पूछे कि बताओ कैसे मोक्ष गए, तो कोई व्यक्ति ये गए कि साहब ऐसा करने से गए, ऐसा करने से गए, कोई खड़गासन से गए, कोई पद्मासन से गए, कोई तीन उपवास करके गए, कोई छह महीने के उपवास करके गए, कोई समय शिखर जी से गए, कोई गिरनार जी से गए, कोई बचपन में दीक्षा लेकर के गए, तो कोई युवावस्था बुढ़ापे में दीक्षा लेकर के गए, कैसे कोई एक चीज बताओ जिसके होने जिससे काम होता हो। तो क्या एक चीज बता रहे हैं आपको, सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। जिसके पास में सम्यक ज्ञान होगा, वो अपने आप कहीं भी हो, किसी भी रास्ते में हो, चाहे युवावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, किसी भी मोड़ पर खड़े हो, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान पास में है तो मुक्ति कर ले जाएगा। ऐसा कहना चाह रहे हैं दौलत राम जी। मैंने कितनी जबरदस्त बात दौलत राम जी ने यहाँ कह दी है कि ये पूरब शिव गए जाहिं और आगे जय है, तो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे है। सबकी महिमा मुनिनाथ कीर्तन कर परमात्माओं के माध्यम से कही गई है। विषय चाह दबदाह जगत जन हर जावे, सास उपाय दयाल ज्ञान घन घन बुझावे। विषयों की चाह रूपी दाह, दाह मतलब होता है अग्नि, और दब दाह, दब मतलब होता है जंगल। दव शब्द का अर्थ क्या है? जंगल। दावानल मतलब दव प्लस अनल, दवानल, अनल मतलब अग्नि, तो दवानल किसे कहते हैं? जंगल की अग्नि को। यहां क्या शब्द का प्रयोग किया है? विषय चाह दव और दाह, तो दव दाह शब्द का प्रयोग दावानल के अर्थ में। दाह मतलब अग्नि, दव मतलब जंगल, तो दव दाह मतलब जंगल की अग्नि और दावानल मतलब भी जंगल की अग्नि। तो दावानल कहो या दव दाह कहो, एक ही बात। जंगल की अग्नि जल रही हो, अरणी अरण्य, जगत जन अरण्य धजावे, जगत जीवों के हृदय में अंदर में विषयों की चाह रूपी दावानल जल रहा है। जगत जन कहकर के कहना चाहते हैं जिन्होंने अभी मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रखा है, उनकी बात है, वो है जगत जन, ठीक है ना। जिन्होंने मोक्ष मार्ग में कदम रख लिया है, अब वे जगत जन नहीं है, वे उनकी श्रेणी बदल गई, उनका लेवल बदल गया, उनकी कैटेगरी बदल गई है, मुक्ति जन है। मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, सबको एक ही श्रेणी में रख दिया। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, जिनके जीवन में मुक्ति मार्ग प्रकट हो गया है, ये सब के सब एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन होगा? जगत जन। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भले विषयों के प्रति प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते हो, विषयों में उनकी प्रवृत्ति दिखाई देती हो, तथापि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के अंदर में ये दावानल नहीं जलता। अग्नि जलती होगी विषयों की, क्या कह सकते हैं अपन, अग्नि और दावाग्नि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये इतने शांत अग्नि, जैसे क्षुधाग्नि, भोजन ग्रहण करने की इच्छा, तो ये भी तो विषय चाह है ना, भोजन ग्रहण करने की इच्छा, ये भी तो विषय चाह ही है, लेकिन ये दावानल के समान नहीं है। यही विषय चाह जगत जन हुए तो दावानल के समान जले अंदर में, और यही विषय चाह
चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती या और भूमिका अनुसार छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती हो, तो यही अग्नि इतनी मंद जले कि विधि न मिलने पर भी तुरंत बुझ जाए। आहार के लिए निकले, अंदर में क्षुधा की अग्नि जली थी कि नहीं? क्षुधा की अग्नि तो जली थी अंदर में, इसलिए तो आहार के लिए निकले थे, लेकिन वो अग्नि इतनी मंद थी, इतनी मंद थी कि अंतराय हो गया कि भोजन ना मिला, विधि ना मिली, तो बस खत्म, विकल्प टूट गया, वापस आ गए आत्मज्ञान में। अब वो अग्नि उनको परेशान नहीं कर रही। अब ये जो अग्नि है जो जगत जनों के हृदय में जलती है, ये तो उन्हें दिन रात जलाने का काम करती है, मतलब ये तो और ज्यादा मानो पावक में घी डाला, ऐसा कहते हैं। ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, क्यों क्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी पर यह सब मृग तृष्णा निकली। ये आशा तृष्णा से जले हुए हृदय को शांत करने के लिए हे जिनेन्द्र देव ये जल लेकर के आपके चरणों की शरण में आया। ऐसा लगता है जगत जनों की स्थिति तो कि जैसे जैसे नहीं मिली, समझ लीजिए आप, वैसे वैसे वो तृष्णा और अधिक बढ़ती चली गई, और तृष्णा के बढ़ने के कारण अंदर में अग्नि तीव्र होती चली गई, और जैसे जैसे अग्नि तीव्र होती चली गई, बाहर में तो कुछ मिला नहीं, वह अग्नि शांत करने का उपाय तो कुछ हुआ नहीं, और ये तीव्र अग्नि में जलता रहा, पीड़ित होता रहा, स्वयं ही जलता रहा। अग्नि तो जहां रहेगी वहीं जलाएगी, अग्नि उधर जल रही है और जलाएगी इधर, ऐसा कैसे होगा? घर के अंदर अग्नि जल रही है, गैस पे अग्नि जल रही है, मान लीजिए तो गैस से कुछ दूर, दो फीट दूरी पर आपने तवे के ऊपर रोटी रख रखी है, टिकेगी कि नहीं टिकेगी? क्या बात कर रहे हो साहब, रोटी कैसे टिकती है बतलाओ? गैस होनी चाहिए, तवा होना चाहिए, और तवे पर रोटी होनी चाहिए, तो टिकती है, ऐसे ही है ना? गैस भी जल रही है, तवा भी रखा है और तवे पर रोटी भी रखी है, अब क्यों नहीं टिक रही है, अब क्यों नहीं जल रही है? कि भाई साहब अग्नि तो इधर जल रही है और तवा इधर रखा है, कैसे जलेगी? तो कौन सी जगह पर जलेगी, किसको जलाएगी? कि जहां होगी वहीं जलाने का काम करेगी। ये अंदर में जो अग्नि जल रही है ये अंदर को जलाने का काम करती है, स्वयं कोई जलाती है। विषय चाह दब दाह जगत जन हर निदयावे, क्या करें जो आग जल रही है, इसको बुझाने का कुछ उपाय दिखता है क्या? कि तात उपाय न आन, अब कोई उपाय नहीं दिखता हमारे को, उसका कोई उपाय नहीं। क्या उपाय है? कि रोटी खा लो, भूख मिट जाएगी, नहीं मिटती ना, थोड़ी देर बाद में फिर दोबारा लग जाती है, ऐसा लगता है कि भूख मिट गई, मिटी नहीं है, क्षुधाग्नि शांत हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए क्षुधा रूपी जो अग्नि है, मतलब भूख रूपी जो अग्नि है अंदर में, और उसमें यदि भोजन डालें, तो भोजन डालने से वो अग्नि शांत नहीं होती, और वो मानव पावक में ही डाला, अभी कही तो मैंने ये बात, माने वो क्या होता है, अपन ये सोचते हैं कि इससे बुझ जाएगी, बुझ नहीं जाएगी, क्योंकि अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती, वो ईंधन का काम करता है और ज्यादा। देखो किसी व्यक्ति को भूख बिल्कुल नहीं लगती हो, क्या तो एकदम ज्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा दो, उसकी जठराग्नि थोड़ा थोड़ा सा लेने से और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, और ज्यादा बढ़ती है, फिर भूख बढ़ने लग जाती है। भूख बढ़ाने का ये उपाय बतलाते हैं डॉक्टर, आप थोड़ा किसी व्यक्ति ने 10 दिन के उपवास किए हो, तो अब अंदर की जो अग्नि है वो बुझने लग गई। कैसे बुझने लग गई? कि 10 दिन तक आपने उपवास कर ली, तो इसका मतलब वो बुझ क्यों नहीं रही है अभी? क्योंकि आप उपवास नहीं कर रहे। उपवास करने से वो अग्नि बुझती है, और भोजन करने से वो अग्नि जली रहती है।
कैसे कैसा उल्टा काम है, कैसी बात बतला रहे हैं यहाँ। सात उपाय न्यान, अब क्या उपाय है, घन घान वही बुझा सकता है, घनघोर बरसात वही एकमात्र से बुझा सकती है, बुझावे कि किसकी घनघोर बरसात चाहिए। यदा अंदर में विषयों की चार रूपी अग्नि जल रही थी और बहुत तेज बरसात में बाहर आकर के नहा लिए फिर भी नहीं बुझी। भाई साहब ज्ञान की बरसात चाहिए, बारिश पानी की बरसात से थोड़ी ना काम चलेगा। हाँ सोचो साहब, आपने कहा था घन घान बुझावे, अंदर में जलने वाली एक तृष्णा को मिटाने के लिए क्या करेंगे, पानी के अंदर नहा लिए हम तो, आप तो टैंक में कूद जाए फिर तो शांत हो जाएगी अग्नि। तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। तन की शीतलता तो मिल सकती है, तन को शांत हो सकता है, ये मन को आराम नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान घन वही एकमात्र ऐसा है जो असली में इसको बुझाने के लिए कार्यकारी हो सकता है। देखिए अन्वयार्थ, पूर्व काल में जो जीव मोक्ष में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और आगे भविष्य में जाएंगे, त्रिकालवर्ती जीवों की चर्चा कर ली, तीन लोग तीन काल में, ज्ञान के समान अन्य जगत में और कोई ऐसा नहीं है जो आपको मोक्ष का रास्ता दिखा देवे और रास्ता दिखा करके मोक्ष में ले जावे, कोई नहीं है ऐसा। तीन लोग तीन काल, एकमात्र ज्ञानी ऐसा है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, एकमात्र ज्ञानी ऐसा है जो रास्ता दिखा करके आपको ले जाएगा, ज्ञान का साथ पकड़ लो और मुक्ति तक चले जाओ। कह रहे हैं पूर्व में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, पूरी की पूरी महिमा सब सम्यक ज्ञान की है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। मुनिनाथ अपने ऊपर नहीं ले रहे, कोई व्यक्ति दौलत रामी से कह दौलत रामी ले लो, आपका नेचर को हमने समझ लिया। पहले सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे, सब भी इसी तरह से गीत गा रहे थे, इसका मतलब ये जिसकी चर्चा करते हो उसके खूब गीत गाते हो। आप ऐसी कह देते हो, आपके सामने आ जाता है जिसकी चर्चा चल रही होती है उसके लिए आप ऐसा कह देते हो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये वास्तव तो मुनिनाथ कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान को मोक्ष का कारण ये तो मुनिनाथ तीर्थंकरों ने कहा है और किसी ने नहीं, और कोई नहीं है ये बात कहने वाला, और कोई नहीं है ये बात करने वाला। पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर भयंकर विशेषण और जोड़ दिया उसके आगे, जंगल में अग्नि जल रही है और जंगल में अग्नि नहीं, जंगल जल रहा है, क्योंकि जंगल में अग्नि तो और भी जलती हुई देखी जाती है। कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हो, रास्ते में जंगल आता हो, कहीं ठहरे हो, तो वे भी जंगल में अग्नि जलाते हैं, लेकिन उससे जंगल नहीं जल रहा है। यहां पे ये कह रहे हैं इंद्रियों के विषयों की इच्छा, विषय नहीं, विषयों के लिए दावानल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पंचेंद्रिय के भोग, पंचेंद्रिय के विषय दावानल के समान नहीं है, भोग दावानल के समान नहीं है, भोगों को भोगना दावानल के समान नहीं है, लेकिन कह रहे हैं उनकी जो इच्छा रूपी अग्नि है, इच्छा रूपी दावानल, ये संसारी जीवों रूपी अरण्य माने पुराने वन को जला रहा है। संसारी जीवों रूपी अरण्य माने पुराने वन को जला रहा है, उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है उसका। अच्छा दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन पहला तो बताओ, ऐसा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं, तो कोई एक दूसरा नहीं है इसका मतलब, एक तो होगा, कोई तो होगा। जब आपने कह दिया कि तात उपाय न आन, इसका कोई उपाय नहीं है,
यदि ऐसा कहते सात उपाय न इतना कहते तो घबराहट थी बहुत ज्यादा, कोई उपाय नहीं, सात उपाय ना, सात उपाय ना। फिर अन्न शब्द जो दे दिया है, ये शब्द बतलाता है कि अन्य नहीं है। सात उपाय में आन, आन मतलब अन्य, इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। सात उपाय न, क्या हो गया, कोई सात उपाय न, इतने पर रुक जाओ, सात उपाय न का उपाय नहीं है यह अर्थ हुआ। ये आन शब्द जोड़ दिया तो अन्य उपाय नहीं है, समझ में आया क्या अर्थ है लाइन का। दौलत राम जी के शब्द की कितनी कीमत है इस शब्द की, आन शब्द नहीं होता तो क्या समझ लिया जाता, आन शब्द नहीं होता तो फिर कोई उपाय नहीं होता। लेकिन सात उपाय न आन, अन्य उपाय नहीं है। तो फिर एक उपाय सर आपके जो आन शब्द दे दिया है और इतना वाक्य आपने लिख दिया है सात उपाय न आन, तो हमारे को ये बात सुनकर के खेद खिन्नता नहीं हुई, हमारे को ये बात सुनकर के प्रसन्नता हुई, कोई तो उपाय है जो आप बताना चाह रहे हो। क्या उपाय है? ज्ञान घन धान बुझावे, ज्ञान रूपी घनघोर बरसात, वही एकमात्र उपाय है। देखिए आप कह रहे हैं उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है, ज्ञान रूपी वर्षा का समूह शांत करता है, मात्र ज्ञान रूपी वर्षा है, मात्र और जोड़ दिया, दूसरा नहीं है, मात्र ज्ञान रूपी वर्षा का समूह शांत करता है। क्या शांत करता है? कि उस अग्नि को बुझाने का काम करता है, उस अग्नि को शांत करने का काम करता है। देखिए चित्र देख लीजिए ऊपर, अग्नि जल रही है, मणिराज बैठे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र दिख रहा है। ये पूरब शिव गए सिद्ध दिखा रखे हैं, ज्ञान ही राइट साइड वाला चित्र दिखा रखा है जो नीचे से ऊपर तक जाने का प्रतीक है, जा रहे हैं, अब जा रहे हैं वो कैसे दिखाएंगे? जहां बैठे हैं वहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वहां पहुंच जाएंगे, और ज्ञान का प्रकाश दिख रहा है पास में, सब में ज्ञान रूपी प्रकाश उनके ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब ज्ञान के प्रकाश से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं और वो आगे गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा वो दूर बैठे जाते हुए नहीं दिखा रहे, क्या मतलब तीन तरह के चित्र कैसे, मतलब वास्तव में कैसी कल्पना करते हैं चित्रकार के दिमाग में भी। अभी आपसे कहे कि ये तीन चित्र आपको बनाने हैं, ये पूरब शिव गए जाही और आगे गए, क्या अंतर करेंगे मंडराज बैठे, अब इनमें क्या अंतर करोगे, कौन जा रहे हैं, कौन जा चुके हैं, कौन भविष्य में जाएंगे, सिद्ध परमात्मा जा चुके हैं सेंटर में हैं, कैसे लाइन में चित्र में, चित्र से कैसे दिखिएगा बिना लिखे, बात तो चित्र की चल रही है, बीच में तो ये पूरब शिव गए पहले से गए हुए सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है, गए और जा ही जा रहे हैं सम्यक ज्ञान के माध्यम से। देखिए इधर भी ऐसा ही एक दीपक दिखा रखा है, आगे गए हाँ, लास्ट वाला जो है जा रहे हैं, क्या हाँ, ये तो तीनों की एकता से सिद्ध दशा की प्राप्ति करी इसके लिए है। हाँ भविष्य भूत और वर्तमान ये दिखाना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति की थी, कोई व्यक्ति अकेला ये नहीं समझ ले कि अकेले ज्ञान से ही किए, इसलिए यहाँ प्रयोग किया है। यदि इन तीनों के लिए, एक के लिए सम्यक दर्शन, एक के लिए सम्यक ज्ञान और एक के लिए सम्यक चारित्र कहना होता तो ये तीनों शब्द एक एक चित्र के नीचे देते,
फिर एक चित्र के नीचे सम्यक दर्शन देते, दूसरे चित्र के नीचे सम्यक ज्ञान देते, तीसरे चित्र के नीचे सम्यक चारित्र देते, ऐसा करते, जबकि ऐसा तो है नहीं। ये भूतकाल है, देखो भूतकाल तो साफ दिख रहा है बीच वाले चित्र में, ठीक है। ये पूर्व शिव गए, बीच वाले चित्र में मोक्ष जा चुके हैं, ये तो भूतकाल स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, इसमें तो कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी। और ज्ञा ही और आगे जय है, अब इन दोनों के लिए दो चित्र हैं, अब इनमें अपने को देखना है कि कौन सा भविष्य के लिए है और कौन सा वर्तमान के लिए है। तो दोनों चित्रों में अंतर देख लो क्या है, एक चित्र के अंदर मुनिराज सिर्फ बैठे हुए हैं और काफी दूर एक दीपक रखा हुआ है कुछ दूरी पर, और दूसरे चित्र में वो दीपक जल रहा है। एक में दीपक जल नहीं रहा है, रखा हुआ है, भविष्य में जलेगा और तब ले जाएगा, जल नहीं रहा। इसमें दीपक जल रहा है और दीपक जलने के साथ साथ में ये जा रहे हैं वर्तमान, और ये जाएंगे, कितना स्पष्ट ख्याल में आई। चलिए ये तो हुई किसकी बात, मुनिराजों के संदर्भ में बात, ठीक है ना। अब जगत जीवों की क्या दशा है, तो देखो आप नीचे मैंने देखिए उसकी जो ऊपर जो तीसरे नंबर वाला चित्र है ना, इसमें किरणें भी दिख रही है। ये किरणें दो बातों की प्रतीक है, ये किरणें ऊपर से नीचे आ रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है, अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। चित्र में से जो लाइनें दिख रही है, ऊपर से देखोगे तो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे से देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं। जब ऊपर से इधर नीचे की तरफ किरणें दिखाई दे रही है तो ऊपर दिखा रखा है ये दीपक तो प्रतीक है सम्यक ज्ञान का, और सूर्य दिखा रखा है वो सम्यक ज्ञान में केवल ज्ञान का, दीपक तो ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान सूर्य का प्रतीक, ज्ञान सूर्य तो ज्ञान रूपी सूर्य उसका प्रकाश इनके पास में आ रहा है। एक तो अर्थ ये हुआ कि ज्ञान सूर्य से वो प्रकाशित है, मतलब सम्यक ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने अंदर को प्रकाशित किया है, एक अर्थ ऐसा हुआ। अब दूसरा अर्थ क्या कि नहीं नहीं अंदर में प्रकाशमान होने पर जैसे यहां से ऊपर की तरफ गमन कर रहे हैं, गमन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे कि यहां से लेकर के ऊपर पूर्णता की तरफ गमन कर रहे हैं। आगे जाकर के फैलेगा, नीचे फैल रहा है, लेकिन अब ये क्या है सिमटते हुए जा रहे हैं किसी जगह पर, ऊपर से प्रकाश जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में ये दिखाना है कि ये व्यक्ति यहाँ था और ये व्यक्ति यहाँ चले गया और जाते हुए दिखाना है, तो वहां से वहां तक उसका वो एक लाइट शेड दिखाया जाता है, तो जिस जगह पर बैठे हैं यहाँ से लेकर के ऊपर तक वो शेड दिखाया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए ऊपर जा रहे हैं, या कुछ भी हो, कुल मिलाकर के ये जो चित्र है तीसरे नंबर वाला चित्र ये जा रहे हैं इस बात को ही प्रदर्शित करने के लिए, वर्तमान को दिखा रहे हैं, वर्तमान को दिखा रहा है क्या। हाँ देखिए आप नीचे के दो चित्र दिखा रखे हैं, एक में विषय दव दाह और ऊपर क्या है, इधर दूसरे वाले चित्र में क्या लिखा है ऊपर ज्ञान फल, इन दोनों में भी क्या चक्कर है, इन दोनों में भी विषय दव दाह ये शब्द नीचे है और ज्ञान घन ऊपर है, अग्नि नीचे से जल रही है और ज्ञान की घनी वर्षा ऊपर से हो रही है। कितना बारीकी से सोचा होगा इन सब चीजों के बारे में, किसी भी चित्र का कैप्शन नीचे दिया जाता है नॉर्मली, हाँ नीचे लिख देते, नहीं तो पता नहीं लगता कि नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से क्या क्या हो जा रहा है, तो ज्ञान रूपे और फिर बादल दिखा रखे हैं, इस सेकंड वाले चित्र के अंदर बादल दिखा रखे हैं और बादलों में से वो बरसात हो रही है पानी, और किसके ऊपर कि विषय रूपी चाह या अग्नि धड़कती हुई दिखाई दे रही है, इसको शांत करने के लिए एकमात्र वही उपाय है।
ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे सुंदर चित्र हैं। देखिए आगे नीचे भाववाद पढ़ते हैं अपन, पूरी करेंगे इस बात को। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, अभी हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं। तो अभी तो पंचम काल चल रहा है, अभी कहां से मोक्ष हो रहे हैं? पंचम काल के अंदर मोक्ष का मार्ग बंद होता है, अभी तो मोक्ष कहां होगा? कि नहीं 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 नहीं, आप क्या बात करें, वर्तमान में विदेश क्षेत्र में हो रहे हैं, वर्तमान में विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं, वर्तमान में विदेश क्षेत्र से सिद्ध परमात्मा बन रहे हैं। ये काम निरंतर हो रहा है सिद्ध परमात्मा बनने का। 6 महीने 8 साल में 608 जीव, माने ऑन एन एवरेज यदि आप मान करके देखो तो कितने लोग हो गए रोज के, हाँ करीब 3-3 जीव जो है वो रोजाना मोक्ष जा रहे हैं। यद्यपि ऐसा एवरेज लगता नहीं है उसमें, ऐसे दिनों के हिसाब से एवरेज लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन किसी दिन 3 और किसी दिन 4 रोजाना नहीं है। हाँ और क्या, आप देखिए क्योंकि क्या 608 जीव मोक्ष जाते हैं कितने समय में, 6 महीने में, 180 दिन में 600 जीव मोक्ष जाएंगे। 180 दिन में 600 जीव का मतलब हो गया किसी दिन 3 और किसी दिन 4, बस यही है, मतलब समझ लीजिए आधे तो 3 दिन, मतलब 3 दिन आधे दिनों में, अर्थात करीब 80-90 दिनों के अंदर तो 3-3 और बाकी 80-90 दिनों के अंदर 4-4 बस। लेकिन आप कल इससे ऐसे महिमा भी आती है ना हमारे, रोज ही जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं तो भी जीव कितने हैं ये तो देखो, क्या रोजाना जा रहे हैं। आप सोचिए यहाँ से किसी भी जगह पर जाने की बात करें, विदेश क्षेत्र से जाने की बात हो नहीं सकती है, लेकिन किसी दूसरे देश में जाने की बात करें तो कितने लोग जाते हैं भाई? बहुत कम। किसने कह दिया बहुत कम? रोजाना सैकड़ों जाते हैं, सैकड़ों हजारों जाते हैं रोजाना देश की सीमाओं के बाहर, हजारों, मतलब इस देश की सीमाओं के बाहर रोजाना हजारों लोग जाते हैं तो भी जरा गिनती गिनो, देखें कितने दिख रहे हैं आपको, कौन कौन जाते हैं, आप कौन दिखते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। हजारों रोजाना जाने के बावजूद भी हमारे को रोजाना जाने वाले जब देखने की बात करें तो दिखते ही नहीं, कौन जा रहा है? अब हम आपको ये कह रहे हैं कि मात्र हिंदुस्तान से हजारों, क्या, और अकेला हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से और पूरे 2.5 द्वीप से मात्र 3। अब बताओ आप क्या स्थिति है? अब आप कह रहे हो 3 तो बहुत होते हैं, अब रोज जा रहे हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो, अरे भाई साहब आनंद जीव लग रहे हैं लाइन में, और लाइन में लगने वालों की एक्चुअल बात करें असंख्यात तो लग ही रहे हैं, अनंत नहीं कह सकते। मोक्ष के लिए लाइन में लगे हुए हैं, मोक्ष के लिए टिकट जिन्होंने ले लिया है, ऐसे असंख्यात जीव खड़े हुए हैं, अब नंबर कब आएगा? अब बोलो आप, सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा हूं, उनको टिकट मिल गया है ना मोक्ष का, सम्यक दृष्टि जिनको मोक्ष का टिकट मिल गया है, अब वे कहां कहां हैं? असंख्यात नरकों में है, पहले नरक में, असंख्यात दूसरे नरक में, असंख्यात तीसरे, असंख्यात असंख्यात, और असंख्यात भवनवासियों में, असंख्यात जंतरों में, असंख्यात ज्योतिषियों में, असंख्यात कितने हैं कुछ, और असंख्यात त्रियंचों में, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी से सहित सम्यक दर्शन रूपी टिकट को जेब में लेकर के चल रहे हैं, और अब नंबर लगा रखा है बुकिंग टिकट लेने के बावजूद भी। हर वक्त नहीं है, करोड़ों तो मुनिराज है, 700 करोड़ तो मनुष्यों में है सम्यक दृष्टि, सोचो 13 करोड़ पंचम गुण स्थानवर्ती है, अब आप जरा कल्पना करके देखो अब उनमें से कब किसको चांस मिलेगा, कौन से दिन नंबर आ जाएगा, सम्यक दर्शन भी हो जाएगा तो ये मत समझ लेना कि अब तो नंबर आ गया, सम्यक दर्शन वाला तो कितना लंबा, कौन पहुंचाने वाला है ये वेद विज्ञान सम्यक ज्ञान।
हाँ हाँ साल में 1200 से सही बात है, करोड़ों में आएगा फिगर। और फिर छठवे में उतने ही रागे, छठे में भी उतने ही जाएंगे। तो जाए ही नहीं है, तो कहीं नहीं है, तो परमानेंट नियम बतला दिया, इतना होता ही रहता है। हाँ साल में 1216 जीव नक्की है, हर साल 1200 बहुत होते हैं, 100 साल अनंत की तुलना में कुछ नहीं है भैया, अनंत जीवों की तुलना में कुछ नहीं है। देखिए आप, महीने में 100 हो गए, महीने में 100 हो गए, 6 महीने में 600, मतलब महीने में 100, ये ठीक है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं होंगे, और वर्तमान में विदेह क्षेत्र में हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, वह इस सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है। जो हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वो इस सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। भावार्थ के अंदर पूर्वाचार्य पता नहीं क्यों कर दिया इन्होंने, जबकि इन्होंने मुनिनाथ शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन सही अर्थ हो गया। अभी भावार्थ है क्या, उसका भाव बतलाना चाहते हैं। अभी जिनेंद्र देव ने कही है, तो उसका भाव ये है कि परंपरा से सुनी है, सच में भाव तो यही है। हम जो बात की आपको कह रहे हैं कि हमने कह दिया, अरे राम दौलत राम जी आपने कह दिया, मुनिनाथ कहे हैं, तीर्थंकरों ने कही है, आप मिले थे तीर्थंकरों से, क्या कहेंगे बेचारे। हमें पता है पंचम काल निकले हुए 1800 वर्ष बीत गए, शुरू हुए ठीक है, कितने 1800 क्यों ज्यादा, 28 है, 2800 इनको कितना, 2600 वर्ष हुए ना महावीर स्वामी को, लगभग 2600 वर्ष, 2600 वर्ष हो गए पंचम काल शुरू हुए। तो दौलत राम जी तो कोई कह सकता है कि 2400 वर्ष से पंचम काल चल रहा है, कह सकता है ना कोई व्यक्ति, उनसे 200 साल पहले हुए दौलत राम जी, उनको क्या कह रहे हैं 2400 साल हो गए पंचम काल चलते हुए, एक भी जीव मोक्ष नहीं जा रहा है, और तुम कह रहे हो मुनिनाथ ने कही है, तुम्हारी उम्र कितनी है ये बताओ, 2400 साल की हो गया, कैसे कहते हो तीर्थंकरों, तीर्थंकरों ने कही है तुमसे, तीर्थंकरों से सुनी है तुमने, कि भाई मैंने तो मुनिराज से सुनी थी, मुनिराज ने अपने पूर्व आचार्य से सुनी थी, उन्होंने अपने पूर्व आचार्य से सुनी थी, उन्होंने माँ से सुनी थी, उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी, अपने गुरु से सुनी थी, ऐसे गुरु से सुनते 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 गणधरों से आई थी, और गणधरों ने तीर्थंकरों से, मतलब मूल स्रोत क्या है कि मूल स्रोत तो तीर्थंकर परमात्मा, मूल वो है। हाँ तय कचु कहूँ कही मुनि यथा, ये बातें पीछे कथा शुरू करने के पहले कही थी उन्होंने। देखिए आप पूर्वाचार्य ने कही है, कुल मिलाकर के यही भाव है उसका। जिस प्रकार दावानल माने वन में लगी हुई अग्नि वहां की समस्त वस्तुओं को भस्म कर देती है, कर देता है, दावानल भस्म कर देता है और दावाग्नि भस्म कर देती है, वहां की माने जंगल की, उसी प्रकार पांच इंद्रियों संबंधी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है। क्या काम कर रही है, पांच इंद्रियों संबंधी विषयों की इच्छा, खाने की, भोगने की, पहनने की, घूमने की, स्पर्श इंद्रिय संबंधी, रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों इंद्रियों संबंधी, देखने की, टीवी देखने की, सुनने की, अच्छा सुनने की, अच्छी ध्वनि, मधुर करण की आवाज, ये कह रहे हैं ये सब जो इच्छाएं हैं ये जीवों को जलाती है। ठीक है, उसी प्रकार इंद्रियों संबंधी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है, दुख देती है। जलाने का मतलब क्या है, हाँ हम तो जल नहीं रहे, इसमें पता नहीं है, अंदर में अग्नि से जल रहे, कई तरह की अग्नि होती है, मोहाग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ज्ञानाग्नि, विषयाग्नि, इन सब के लिए
अग्नि शब्द के प्रयोग किए हैं अनेक स्थानों पर, अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार की अग्नि में जलते हैं। जिस प्रकार वर्षा की झड़ी उस दावानल को बुझा देती है, वर्षा की झड़ी क्या काम करती है, बुझाने का काम करती है। झड़ी लग जाए लेकिन थोड़ी सी वर्षा से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यू बरसात हो, धारा प्रवाह रूप से घंटा दो घंटा छह घंटा की कंटिन्यू मूसलाधार बरसात हो गए तो वो उसे बुझा देती है। उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान उन विषयों को शांत कर लेता है, नष्ट कर लेता है। एक और मार्मिक पॉइंट यहाँ ख्याल में आता है, जो एक मार्मिक बिंदु यहाँ और कहना चाहते हैं दौलत राम जी, ये जो घर धान शब्द का प्रयोग किया है और उदाहरण में वर्षा की झड़ी शब्द का प्रयोग किया है, ये इस बात को सूचित करता है कि आप कभी कभी पढ़ोगे कभी कभी सुनोगे तो वो अग्नि का घर ही नहीं होने वाला, ये तो कंटिन्यू चाहिए। निरंतर 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 धारा प्रवाह रूप से चलता ही रहे नॉन स्टॉप, ज्ञान का आधा चले वेद ज्ञान का। हाँ परम गुरु बरसत ज्ञान जड़ी, बरसत ज्ञान जड़ी, ज्ञान की झड़ी लग जाए तब जाकर के काम होगा। उमड़ी उमड़ी हर्ष हर्ष के जैसे शब्दों के प्रयोग किए थोड़ी देर के लिए बरसात, एक्चुअल में क्या होता है हमारा काम इसीलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ करके बैठते हैं थोड़ी सी बरसात होती है, थोड़ा सा सुनते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद फिर वही अग्नि जा करके जलती है। अब फिर दूसरे कह रहे हैं बुझी नहीं रही है, क्या चक्कर है ये बुझेगी कैसे, बार बार में तो आप छोड़ के चल देते हो इसको, क्या हो रहा है बताइए मेरे को काम कैसा हो रहा है। थोड़ा ऐसे में अग्नि जल रही हो और थोड़ी देर के लिए पानी भरते और फिर तेज धूप, फिर वही अग्नि धड़कती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद में फिर अगले दिन फिर थोड़ी देर के लिए बरस जाए तो कब बुझ जाएगी, जंगल में खास कर देगी वो झड़ी लगती रहे रुके ही नहीं पानी, उसको उसको लपटों को उठने के लिए मौका ही नहीं मिले। क्या होता है ऊपर से पानी पड़ता है तो लपटे थोड़ी सी दबती है और पानी रुका फिर खड़ी उठ जाती है। अगर वो जो ऊपर से पानी गिर रहा है वो उन लपटों को उठने ही नहीं दे रहे, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, तब जाकर के काम होता है। इसीलिए झड़ी शब्द का प्रयोग किया है, वर्षा की झड़ी दावानल को बुझा देती है, उसी तरह सम्यक ज्ञान की झड़ी विषयों को विषयों की अग्नि को शांत कर देती है नष्ट कर देती है। ऐसी बहुत मार्मिक पंक्तियां इन्होंने यहाँ इस छंद में कही है और आगे का छंद तो बहुत ही मार्मिक है, बड़ा प्यारा छंद दिया है ना, लाखों और करोड़ों बातों की एक निश्चित बात उन्होंने बतलाई है। हम कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, आज की बात
Thank you.